हेलो गाइस दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अडाप्टेशन के बारे में बेसिकली जब कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट हो एनिमल हो या कोई भी हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी एनवायरमेंट में रहता है और उस एनवायरमेंट में बार बार कोई चेंज आते रहता है तो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ एनिमल को भी ढलना पड़ता है एनिमल को भी अपने बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि उसका सर्वाइवल ईजी हो जाए तो बेसिकली अडाप्टेशन क्या है एडाप्टेशन एक प्रोसेस है जो एंश्योर करती है कि एनिमल में कुछ चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द जो उसको सरवाइव करने में, करते है, थीके? तो यहाँ पे इस में बहुत अच्छे से adapt, uh, की हमको देखने को मिलती है जहां पे बोला गया है, क्या है? एक प्रोसेस है विच सर्वाइवल अगर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को एंश्योर करना है अगर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो वहां पे उनके सर्वाइवल के लिए उनके बॉडी में कुछ चेंजेस होना जरूरी है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे जिसके वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे ठीक है तो बेसिकली अडाप्टेशन क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस जहां पे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो उसको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे बोला गया है इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अडाप्टेशन के एग्जाम्पल क्या है अडाप्टेशन के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे मंकीज मंकीज एरबोरियल एनिमल है पेड़ों पर पे रहते हैं तो उनमें अडाप्टेशन क्या है उनको पेड़ों पर पे लटकने के लिए ग्रेस्पिंग हैंड है ग्रेस्पिंग लेग्स लेग्स में जो पाम होता है पाम फीट फीट भी ग्रेस्पिंग है उनका ठीक है हैंड भी ग्रेस्पिंग है तो उनका अर्बोरियल हैबिटेट में वो इजीली सरवाइव कर पाते हैं फिशेस में वो पानी में इजीली स्विम कर पाती है क्योंकि उनके बॉडी में गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं गिल्स रेस्पिरेशन के लिए और फिन्स उनको स्विम करने के लिए वैसे ही अगर हम बात करते हैं एरियल हैबिटेट की जो हवा में उड़ते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम होती है उनके बॉडी में विंग्स होते हैं बोन्स उनके हॉलो होते हैं तो ये सारे जो है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन हर एनिमल में देखने को मिलते हैं अगर उसे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन क्या दिया है टू कोप अप विद एक्सट्रीम वेरिएशन इन देयर एनवायरमेंट ठीक है एक्सट्रीम वेरिएशन आते रह, हैं रह एनवायरमेंट में एनवायरमेंट में चेंजेस आते रह रहे, environment में, environment में, आते रहे उस चेंजेस को कोप करने के लिए उस चेंजेस के साथ चलने के लिए सम ऑर्गेनिज्म थ्रू फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कुछ ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर में फिजियोलॉजी में एडजस्टमेंट करते हैं चेंजेस करते हैं ठीक है तो कुछ अपना बिहेवियर शो करते हैं ठीक है मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से कुछ एक बिहेवियर शो करते हैं ठीक है तो ऐसे लाइक माइग्रेशन एग्जाम्पल दिया है ऐसे प्रोसेस uh, को हम एडाप्टेशन बोलते हैं तो एडाप्टेशन क्या है एडाप्टेशन जब किसी एनवायरमेंट में एक्सट्रीम वेरिएशन आता है तो एनिमल को उसके साथ चलना पड़ता है उसके साथ कोपअप करना पड़ता है जिसके लिए एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं बाय सम फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट और बाय सम बिहेवियर एडजस्टमेंट ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं उसी को एडेप्टेशन बोलते हैं नेक्स्ट Therefore, we can say adaptation is a important attribute of organism. Adaptation एक बहुत ही important attribute होता है, characteristic feature होता है, जहाँ पे organism या तो morphological यानि structure में change show करेगा, physiological change show करेगा, या behavioral change show करेगा, ठीक है? That enables the organism to survive and reproduce in the environment. ठीक है? तो basically adaptation के according हम देखते हैं कि जैसे-जैसे environment change होगा, animal के body में भी कुछ change आएंगे। और इन चेंजेस के वजह से एनिमल खुद की जो प्रोसेस है खुद का जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करेगा कि भाई उसको सर्वाइव कर पाएगा वो इजीली और साथ ही साथ वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाएगा अपना नंबर बढ़ा पाएगा ठीक है तो बहुत ही एक अच्छा इमेज यहाँ पे दिया हुआ है जिसके साथ उसका डेफिनेशन भी बहुत ईजी तरीके से लिखा गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डेजर्ट के अगर हम प्लांट्स देखते हैं तो डेजर्ट प्लांट में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको दिखाई देते हैं जिनके वजह से ये प्लांट इजीली डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाते हैं ठीक है थीके? तो इनमें क्या ऐसे अडाप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं जैसे कि थिक क्यूटिकल होती है ठीक है स्ट्रोमा उनका डीप होता है मतलब स्ट्रोमा डीप होता है इन द सेंस संकन स्टोमेटा होता है स्टोमेटा कैसा होता है इनका संकन होता है संकन यानी डीप होता है जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता देखो जो पेड़ की पेड़ की लीफ जो होती है लीफ के कवरिंग पे ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है क्यूटिकल यानी वैक्सीलियर तो इनकी क्यूटिकल इतनी ज़्यादा मोटी जाड़ी होती है कि उससे पानी नहीं निकल पाता बाहर भाप बन के ट्रांसपिरेशन नहीं होता दूसरा इनका स्टोमेटा काफ़ी डीप होता है जिससे ये वाटर लॉस नहीं करते तीसरा हम देखते हैं कि इनमें बहुत ही कम से कम पानी लॉस होता है जिसके वजह से ये इजिली डेजर्ट कंडीशन में रह पाते हैं तो डेजर्ट कंडीशन में अगर किसी प्लांट को सर्वाइव करना है तो उनके बॉडी में पानी अच्छा खासा होना चाहिए पानी का लॉस वो सहन नहीं कर सकते ठीक है तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए इनमें जो स्पेशल अडाप्टेशन होते हैं जो आपको नीट में एमिस्टीसीटी में पूछ सकते हैं तो इनमें थिक क्यूटिकल होता है काफी मोटे जाड़े क्यूटिकल होते हैं वैक्स की लेयर होती है स्टोमेटा इनका संकन होता है जिसकी वजह से वॉटर लॉस कम होता है इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको कैम पाथवे बोलते हैं ठीक है थीके? फोटो सिंथेटिक मैकेनिजम भी इनमें बहुत स्पेशल होता है जिनको कैम पाथवे बोलते हैं इसको हमने क्लास एलेवेंथ में फोटो सिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा हुआ है सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल पाथवे अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको एक बार आप ओवरलुक कर लीजिएगा ठीक है इसका कोई वीडियो अभी तक मैंने नहीं डाला हुआ है ठीक है लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्रैस्युलेशन एसिड मेटाबोलिज्म बोलते हैं जहाँ पे दिन में इनका स्टोमेटा ओपन होता है और रात में इनका स्टोमेटा क्लोज होता है तो इसमें देखो क्या क्या अडाप्टेशन है पहला तो इनकी क्यूटिकल काफी ठीक है जिसके वजह से वाटर लॉस नहीं हो रहा दूसरा इनका स्टोमेटा काफी डीप है जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो रहा तीसरा इनका स्टोमेटा दिन में क्लोज होता है जिससे वाटर लॉस नहीं हो रहा है दिन में हैवी में और लास्ट रात में इनका स्टोमेटा ओपन होता है तो रात में टेम्परेचर कम होता है इस वजह से स्टोमेटा ओपन भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो क्या क्या कैरेक्टर है पहला थिक क्यूटिकल दूसरा संकन स्टोमेटा तीसरा हमने पढ़ा स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे ठीक है अब इसके अलावा ओपनशिया नाम के ये जो पेड़ हमको दिखाई देते हैं ये वाले ये जो प्लांट आपको दिख रहा है दिस इज ओपनशिया ओपनशिया के जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन में अब लीफ ही मॉडिफाई हो गए तो स्टोमेटा उनमें प्रेजेंट होगा ही नहीं ठीक है स्टोमेटा होगा भी तो बहुत रिड्यूस्ड होगा तो ऐसे में यहाँ पे वाटर लॉस नहीं के बराबर होता है ठीक है तो लीफ इनके स्पाइन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं और फोटोसिंथेटिक फंक्शन कौन परफॉर्म करता है स्टेम इनकी जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है ठीक है तो ये थे कुछ डेजर्ट प्लांट के मॉडिफिकेशन ठीक है कुछ एडाप्टेशन जिनके वजह से डेजर्ट प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं अब हम देखते हैं एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन होते हैं एनिमल्स में अगर खासकर हम मैमल्स को देखें मैमल्स ठीक है जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं कोल्डर क्लाइमेट यानी ठंडी जगह पे ठंडी जगह पे रहने वाले एनिमल्स में हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है हीट लॉस देखो ठंडी जगह पे आप अगर आप देखो कि आप माइनस डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हो और आपके जो ये एरियाज है ये काफी एक्सपोज हो रहे हैं एक्सपोज यानी बॉडी से दूर है ठीक है तो जो एरियाज बॉडी से दूर है वहां से हीट ज्यादा निकलती है और जब आप कोल्ड एरिया में रह रहे हो तो आपको हीट को स्टोर करना है कंजर्व करना है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है जो कोल्ड एरिया में एनिमल रहते हैं उनको हीट कंजर्व करना है उनको अपनी हीट बचाना है इसके लिए उन्होंने ये बॉडी स्ट्रक्चर को छोटा कर दिया है जैसे लिम्स जैसे पिन्ना पिन्ना यानी जो ईयर्स होते हैं ठीक है उनके ईयर्स छोटे होते हैं उनके लिम्स छोटे होते हैं उसके वजह से उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी छोटी दिखाई देती है अल्टीमेटली वो हीट को कंजर्व करते हैं ठीक है तो यहाँ पे बोला है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट ठीक है जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट स्नाउट यानी उनका जो नाक होता है ठीक है ईयर्स टेल और लिम्स तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से दूर होता है वो छोटा होता है और छोटा होने के कारण वो कम एक्सपोज करता है कम खुला होता है जिससे एनर्जी कम रिलीज होती है ठीक है तो एनर्जी स्टोर करते हैं ये एनिमल ठीक है तो इनमें कैसे ऐसा एडेप्टेशन शो हो रहा है कि जो कोल्डर क्लाइमेट के कोल्डर एरियाज में जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चर रिड्यूस होता है छोटा होता है जैसे लिम्स ईयर स्नाउट ठीक है और इसी को एलन रूल बोला जाता है इसी को एलन रूल बोला जाता है इस पे नीट में एम में क्वेश्चन आते हैं एलन रूल एलन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रूल दिया था कि भाई जो एनिमल कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके बॉडी में हीट को स्टोर करने के लिए कंजर्व करने के लिए जो बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो छोटे होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर एरियाज में पोलर सीज में पोलर सीज यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो समंदर होते हैं सीज होते हैं वो काफी काफी माइनस डिग्री पे चलते हैं मतलब काफी कोल्ड होते हैं माइनस थर्टी माइनस फोर्टी माइनस एटी डिग्री तक का टेम्परेचर हो सकता है अब इतने ज्यादा कोल्ड वाटर में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं जैसे कि सील सील एक एनिमल होता है जो काफी कोल्ड एनवायरनमेंट में काफी कोल्ड सीज में सरवाइव करता है इसके अलावा हम बात करते हैं पोलर बेयर पोलर बेयर भी बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं तो ऐसे में इनके बॉडी में इनके बॉडी को गर्म रखने के लिए एक फैट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर तो ब्लबर इज अ लेयर ऑफ फैट जो इनके बॉडी में पाई जाती है ठीक है जो इनके बॉडी को इंसुलेशन देती है इनके बॉडी को अंदर से गर्म करती है तो बेसिकली जो पोलर सीज में एनिमल होते हैं जैसे कि सील उनके बॉडी में फैट की एक काफी थिक जाडी लेयर होती है जिसके कारण इसके बॉडी में इंसुलेशन का काम होता है इनकी बॉडी गर्म रहती है अंदर से और इनको जो है कोल्ड यानी ठंडी का एहसास इतना नहीं होता जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज में दिया गया है पोलर बियर दिया गया है इनका हम देखते हैं फोर इंचेस का ब्लबर होता है फैट का जो लेयर है स्किन के नीचे होता है और फोर इंचस का होता है जिससे इनके बॉडी को इंसुलेशन मिलता है गर्माहट मिलती है ठीक है एलंस रूल के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट यूजुअली हैव मिनिमम एक्सपोज्ड सरफेस एरिया जैसे शॉर्ट लेग्स होते हैं शॉर्ट टेल शॉर्ट ईयर होते हैं ठीक है कुछ एनिमल्स दिए अब ये एनिमल के ईयर बड़े लंबे है टेल बड़े 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 है तो ये जो है ये कोल्ड हैबिटेट में नहीं रहेगा ये ड्राई हैबिटेट में रहेगा ठीक है कोल्ड हैबिटेट में देखो जो एनिमल होते हैं ये कोल्ड हैबिटेट में एनिमल है तो इसके ईयर छोटे है इसके पैर छोटे हैं ठीक है यहाँ पे भी देखो ये जो फॉक्स है ये नॉर्मल ड्राई हैबिटेट में रह रहा है तो इसके पैर बड़े हैं लेकिन ये जो आर्टिक फॉक्स है इसके जो पैर है वो काफी छोटे हैं बिकॉज इट इज लिविंग इन द कोल्ड हैबिटेट ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ दैट इज कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि जैसे कि हम देखते हैं दैट इज डिजर्ट लिजार्ट ठीक है सम ऑर्गेनिजम्स शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स अब ये जो रिस्पॉन्स थे अभी तक जो हमने पढ़े वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल थे मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो हो रहे थे अडेप्टेशन और दूसरा फिजियोलॉजी के फॉर्म में अडाप्टेशन शो हो रहे थे फैट की लेयर बनना फिजियोलॉजी हो गई स्ट्रक्चर ईयर का छोटा होना हाथ पैरों का छोटा होना स्ट्रक्चर वाइज एनिमल खुद को स्ट्रक्चर वाइज एडाप्टेड कर सकता है या एनिमल खुद को फिजियोलॉजी वाइज अडाप्ट करता है कर सकता है यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी दी है कि एनिमल कभी कभी बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करता है जिसके बेसिस पे एनिमल खुद को अडॉप्ट करता है फॉर एग्जाम्पल एक डेजर्ट लिजार्ड डेजर्ट में जो लिजार्ड पाई जाती है आपके घर वाली वॉल लिजार्ड नहीं डेजर्ट वाली लिजार्ड तो डेजर्ट लिजार्ड में हम देखते हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखती है कैसे रखने की कोशिश करती है कैसे तो ये कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशन शो करती है बिहेवियर इसका चेंज होता है तो जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है एक नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए वो सन में जाती है ठीक है सन बात लेती है सन बात यानी सन के सन के पास जाते सन के पास इन द सेंस खुले एरिया में जाती है और हीट को एब्जॉर्ब करती है तो यहां पे वही बोला है दे बास्क इन द सन एंड एबजॉर्ब हीट तो वो सन में बास्क करेगी पास करेगी यानी रुकेगी और हीट को एब्जॉर्ब करेगी जब उसके बॉडी का टेम्परेचर इट ड्रॉप्स बिलो द कंट्रोल जोन कम्फर्ट जोन कंफर्ट जोन से नीचे अगर इसके बॉडी का टेम्परेचर आता है तो ऐसे में वो सन में जाएगी सनलाइट को एब्सार्ब करेगी दूसरा ट मूव इन टू शेड अब आगे जब इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा उसने लाइट एब्सॉर्ब कर लिया नॉर्मल से ज्यादा हीट हो गया बॉडी में तब वो जाएगी दट इज शेडी प्लेस में शेडी प्लेस यानी ऐसी जगह जहां पर थोड़ा सा शेडो है तो ऐसे में जाके उसका बॉडी टेम्परेचर फिर से कूल cool हो जाएगा मतलब बिहेवियर चेंज हो रहा है ठीक है तो जब वो बॉडी टेम्परेचर उनका कम हो जाता है तो वो सन में जाती है मस्त हीट सो कर लेती है हीट को एब्सॉर्ब करती है फिर वो जो है जैसे ही उसकी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो वो जाती है शेडो में और बॉडी टेम्परेचर को उतार देती है तो इस तरीके से अपने बिहेवियरल पैटर्न से वो अपने बॉडी का टेम्परेचर यानी बॉडी का जो भी हीट हीट कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है ठीक है सम स्पीशीज़ बरो इन द सैंड एंड हाइड टू इसकेप फ्रॉम द हीट कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं कि जो सैंड में गड्ढा करके रहते हैं अंदर ठीक है हीट से बचने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए कुछ स्पीशीज सैंड में गड्ढा करके रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके का अडेप्टेशन शो करते हैं एक चेंज होता है एनिमल अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज शो करता है उसको अडाप्टेशन बोलते हैं ठीक है प्लांट में जो अडप्टेशन होता है हमने देखा डेजर्ट प्लांट में स्पेशल टाइप का अडाप्टेशन होता है ताकि वो इजिली डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सके थिक क्यूटिकल होती है उनमें स्टोमेटा होता है संकन स्टोमेटा होता है ठीक है इसके अलावा फोटोसिंथेसिक्स का मैकेनिज्म स्पेशल होता है कैम ओपनशिया प्लांट में लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइनस में ठीक है जो एनिमल होते हैं जो कोल्डर एरियाज़ में रहते हैं वो हम देखते हैं उनके जो आ, कान होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं कान लिम्स वगैरह ठीक है ताकि वो कम से कम हीट को एक्सपोज हो सके कम से कम ज़्यादा मतलब हीट को कंजर्व कर सके बेसिकली ठीक है फैट जैसी लेयर होती है बॉडी में ब्लबर जिसको बोलते हैं और लास्टली हमने देखा कुछ लीजार्डस वगैरह जैसे एनिमल होते हैं जो कि बिहेवियरल पैटर्न शो करते हैं जब उनको ज़्यादा ठंडी लगती है तो गर्मी में चले जाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फिर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो ठंडी में आ जाते हैं और कुछ जो है वो सैंड में बरो करके रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग तरीके का अडाप्टेशन शो करते हैं टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट टू फ्लोरिश इन देयर हैबिटेट टू रिप्रोड्यूस इन देयर हैबिटेट आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पे। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए खुश रहिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच